Hello students, today we will start with the poem Crying of Unit 4. Now this poem is written by Galvie Kinnell. Galvie Kinnell ne ye poem likhi hai and the poem is now. Crying only a little bit is no use. Little bit matlab bahut thoda sa. Bahut thoda sa rone ka is no use matlab koi fayda nahi hai. Thoda sa rone se koi fayda nahi hai. You must cry until your pillow is soft. Until मतलब तब तक. You must cry until. आपको तब तक रोना चाहिए. Your pillow is soft. जब तक कि आपका pillow soft means got wet कि गीला ना हो जाए. आपको तब तक रोना चाहिए जब तक कि आपका pillow गीला ना हो जाए. Then you can jump in the shower. और उसके बाद खूब सारा रोने के बाद What can you do? You can jump in the shower. आप shower में bath ले सकते हो and splash, splash, splash. Splash means splatter with water. कि आप पानी से छप छप कर सकते हो, पानी के साथ खेल सकते हो. इतना सारा रोने के बाद. Because क्या होता है कि बहुत सारा रोने के बाद आप fresh हो जाते हो, relax feel करते हो and then you can jump in the shower. Now, then you can throw open your window. और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अपने कमरे की खिड़कियां खोल दो एंड हा 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 एंड स्टार्ट लाफिंग आप खूब हंसो एंड इफ पीपल से एंड अगर कोई कहता है कि हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर कि क्या हो रहा है इतना क्यों हंस रहे हो अगर आपसे कोई कहता है या पूछता है हा हा सिंग बैक आप फिर से हंसने लगो हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर और उनसे आपने क्या कहना है कि हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर कि हैप्पीनेस जो थी खुशियां जो थी किसमें छिप रही थी हाइडिंग मतलब छिप रही थी किसमें छिपी हुई थी लास्ट ईयर लास्ट जो आंसू था उसमें खुशियां छिपी हुई थी एंड आई वेप्ट इट और मैंने इसे रोके यानी निकाल लिया किसे निकाल लिया खुशियों को निकाल लिया है हा 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 इसका मतलब क्या है कि जब आप बहुत सारा रो लेते हो जब आपको कोई डांटता है आपको बुरा लगता है तो आप खूब सारा रोते हो और खूब सारा रोने के बाद क्या होता है कि आपका दिल हल्का हो जाता है और उसके बाद आप रिलैक्स फील करते हो एंड यू फील हैप्पी ऑल्सो कि आप खुश भी होते हो दैट्स वाई यू हैव टू आंसर द पीपल हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर आपने लोगों को क्या कहना अगर आपसे कोई पूछता है कि आप इतना क्यों हंस रहे हो कि हैप्पीनेस जो है लास्ट ईयर में छिपी हुई थी तो लास्ट ईयर में छिपी हुई थी इसलिए मैंने खूब सारा रोया और रोने के बाद लास्ट ईयर से मेरी हैप्पीनेस बाहर आ गई थैंक यू